हेलो फ्रेंड्स, तो अभी गनगनी होकर हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं प्रयाग फिल्म सिटी। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग प्रयाग फिल्म सिटी आ चुके हैं और ये आपका टिकट काउंटर है। यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। हर एक टिकट का प्राइस है 300 रुपीज़। तो चलिए दो टिकट लेते हैं और अंदर जाकर देखते हैं क्या कुछ है। और एक बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर पार्किंग के लिए कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। आप लोग बाइक और फोर व्हीलर लेकर आना चाहो तो आ सकते हो और अंदर जा सकते हो। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा। ओके, चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी इसीलिए पहले हम लोग आकर ही यहाँ पर रेस्टोरेंट पे चले गए थे कुछ खाने के लिए। और यहाँ पर हम लोगों को चिकन थाली भी मिल गया। हर थाली के प्राइस थे 200 रुपीज़ और उसके साथ आपका सब्जी दाल वगैरह ये सब भी था। खाना तो ठीक ठाक था आपका, बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकता और एकदम का बकवास का भी नहीं था। अगर आप लोग बाहर खा पी कर यहाँ पर आ सकते हो तो वही अच्छा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट पे हर टाइम खाना नहीं मिलता है और आप लोगों को ऑर्डर भी करना पड़ेगा यहाँ पर खाने के लिए अगर ज़्यादा लोग हैं तो। और ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं तो इसीलिए
पैदल तो हम लोग पूरा एरिया कवर नहीं कर सकते, इसीलिए बाइक लेकर ही हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और पूरा एरिया घूम कर देख लेंगे यहाँ पर क्या कुछ है। तो चलिए जाते हैं और आगे जाते जाते आप लोगों से बात करते रहते। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्टेशन बना गया है, ये एक स्टूडियो का सेट है जो कि आपका स्टेशन की तरह सजाया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं स्टेशन के अंदर क्या कुछ है। और स्टेशन का नाम यहाँ पर दिख रहा है, आप लोगों को शायद दिख पा रहा है, स्टेशन का नाम है आपका बड़ा भूम स्टेशन। तो चलिए स्टेशन के अंदर जाते हैं और देखते हैं इसका अंदर का जो व्यू है कैसा है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और ये जो एरिया है आपका 2700 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, तो बहुत ही बड़ा लोकेशन है, बहुत ही बड़ा एरिया है। यहाँ पर चारों तरफ सेट फैला हुआ है, बहुत सारा सेट आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पूरा टोटल यहाँ का लोकेशन दिखाने के लिए और जो भी कुछ सेट है वो सब कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं।
तो मेंटेनेंस के कारण यहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, हम लोगों को शायद दिख भी रहा है, लेकिन अगर ठीक ठाक से मेंटेन किया जाए तो ये जगह का नज़रिया कुछ अलग हो सकता है। जगह तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मेंटेनेंस ठीक ठाक से अभी तो नहीं होता है, और वो तो हम लोगों को देखकर ही पता लग रहा है। यहाँ पर आपका एक 7D शो चलता है जो कि शाम को 3 बजे से 5 से 5:30 बजे तक खुला रहता है, उसी टाइम पर दिखाया जाता है। और अलग से यहाँ पर ये शो देखने के लिए आप लोगों को कुछ एंट्री फी भी देना नहीं पड़ेगा, जो 300 रुपीज़ का जो एंट्री फी है जो गेट में हम लोगों को देना पड़ा उसी के अंदर इंक्लूडेड है ये शो। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल चुके हैं वो 7D शो देखकर, लगभग 5 से 7 मिनट का शो था, शो तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। आप लोग भी अगर चाहो तो ये शो देखकर जाइए, मिस मत करिए, यही बोलूँगा, क्योंकि इसके लिए तो अलग से आप लोगों को पे नहीं करना पड़ेगा। ये फिल्म सिटी आपका सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, तो अगर आप लोगों को आना है तो उसी टाइम के अंदर आइए। फ्रेंड्स शाम भी ढल चुका है और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, तो चलिए निकलते हैं और जाते हैं घर की ओर।
फ्रेंड्स, अब हम लोग सिर पंजाब में है, कूलाघट्टा से पंजाब। घर जाने के लगभग 80 किलोमीटर आ गए, 70-80 किलोमीटर आ गए। थोड़ा चाय पानी के लिए, सर्दी के दिन तो चाय तो चाहिए ही चाहिए। आज यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत, तो पी लेते हैं, फिर घर में जाके आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं। चल चुका है, रात का 11 बज चुका है। आने में तो हम लोगों को 4-5 घंटा टाइम लग गया, और उसके साथ साथ खाना पीना भी करना था, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत टाइम हम लोगों को लग गया वहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा इस फिल्म सिटी के बारे में, ये जो पैक फिल्म सिटी, इसके बारे में ज़रा गौर कीजिएगा। तो पहला बात तो ये है कि आपका ये जो पैक फिल्म सिटी, इसका लोकेशन है ढुकी चंद्रकोना रोड, और इसका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है पश्चिम मिदनापुर, और स्टेट तो वेस्ट बंगाल है। आप लोग अगर कोलकाता से जाने वाले हो तो यहाँ से आप लोगों का ये प्रयाग फिल्म सिटी का डिस्टेंस लगभग 150-160 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। हमारे यहाँ से तो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस था ये टोटल, और ये 180 किलोमीटर कवर करने के लिए आप लोगों को 4-4.5 घंटा टाइम लग सकता है। तो उसके लिए मैं यही बोलूँगा आप लोगों से, टाइम लेकर जाइए और सुबह सुबह निकलिए, क्योंकि वहाँ पर देखने वाला तो बहुत कुछ है, बहुत सारे चीज़ है देखने के लिए, और ये सब कवर करने के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत टाइम लेकर जाना पड़ेगा। ये मैंने एक ही दिन में दो जगह कवर किया है। पहला जगह था गोनगोनी, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया था, और ये अब मेरा दूसरा वीडियो है यहाँ पर मैंने प्रयाग फिल्म सिटी को कवर किया। और यहाँ से गोनगोनी होकर आप लोग अगर प्रयाग फिल्म सिटी जाना चाहोगे तो वो भी जा सकते हो, एक ही दिन में दोनों जगह कवर कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप लोग बाइक और कार लेकर जा रहे हैं तो। लेकिन बाइक ट्रेन तो दो जगह एक ही दिन में कवर करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। और अगर गनगनी से देखा जाए तो गनगनी से ये प्रयाग फिल्म सिटी का डिस्टेंस है 21 किलोमीटर के आसपास, जो जाने में आप लोगों को 30-40 मिनट्स आप लोगों का टाइम लग सकता है। मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोगों के पास अगर बाइक और फोर व्हीलर है तो वही लेकर जाइए प्रयाग फिल्म सिटी देखने के लिए, क्योंकि वो लेकर आप पूरा स्टूडियो एरिया आप लोग घूम सकते हो। इससे थोड़ा आप लोगों का टाइम भी सेव हो जाएगा और थकान भी कम होगा। और अगर आप लोग बाई ट्रेन जाना चाहोगे तो वो भी जा सकते हो, उसके लिए आप लोगों को हावड़ा और सियालदह से पश्चिम मिदनापुर जाने वाला ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, और उससे आप लोगों को जाना पड़ेगा चंद्रकोना रोड स्टेशन। चंद्रकोना रोड स्टेशन जाने के बाद वहाँ से आप लोगों को टोटो मिल जाएगा। इस स्टेशन से आपका वो प्रयाग फिल्म सिटी का डिस्टेंस है 7-8 किलोमीटर, और जाने में आप लोगों को 20-25 मिनट टाइम लग सकता है। सुबह के 8 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है, तो टाइम तो काफ़ी लंबा है, उस टाइम के अंदर आप लोग जा सकते हो और इजीली पूरा फिल्म सिटी घूमकर देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को खाने के लिए लंच का भी सुविधा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए अलग से आप लोगों को पे करना पड़ेगा। और इसके अंदर ही आप लोगों को रेस्टोरेंट मिल जाएगा, वहाँ पर खाना ऑर्डर करने के बाद आप लोगों को 1.5-1 घंटे के अंदर खाना मिल जाएगा। और इस ट्रिप के जो पहला एपिसोड मैंने गोनगोनी को लेके किया है, वो अगर आप लोग नहीं देखा है तो मेरे पेज में जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना और मोटा एक्सपोजर के साथ रहना, बाय।